सब्सक्राइब करें हमारे विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए मैंने सिंघाड़ा ले लिया है और ये करीब एक किलो सिंघाड़ा है। इसको अच्छे से मैंने धुल लिया है और इसको हम छील लेंगे और इसको आज हम बनाएंगे सिंघाड़े का निमोना, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है होता है। तो आज हम बना रहे हैं सिंघाड़े का निमोना। तो सबसे पहले सारे सिंघाड़े को अच्छे से हम छील लेंगे और ये सिंघाड़े आप लाल वाले लें, क्योंकि सिंघाड़ा हल्का सा मीठा होता है और बहुत ही बढ़िया खाने में होता है। तो इस तरह हम सारे सिंघाड़े को छील लेंगे। देखिए इसकी सारी गूदी हमारी निकाल ली और निकालने के बाद इसको फिर से हम धुल लेंगे, क्योंकि ऊपर हल्का सा लगे हो तो ये पूरी तरह साफ नहीं होता, और उसके बाद इसको कांटे सब साफ कर लेंगे। तो लीजिए मैंने सिंघाड़े को छील के अच्छे से धो के साफ कर लिया है और ये करीब हमारे एक किलो सिंघाड़े थे जिनको हमने छिलके, और छिलके निकालने के बाद ये करीब 450 ग्राम बचे हैं और इसको हम हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे और कुछ सिंघाड़े हम साबुत रखेंगे, क्योंकि इसका निमोना बना रहा है। निमोना हल्का सा इसको हम हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे। तो इसको हम कूटने वाले ले लेंगे और इसको हल्का सा इस तरह करते हुए हमें कूट लेना है। इसको बारीक में बिल्कुल मिक्सी में तो बिल्कुल नहीं डालना है, और इसको हाथ से ही इस तरह दबाते हुए इसको तोड़ देंगे, और मिक्सी में डालकर अगर पीसेंगे तो वो बिल्कुल महीन लुगदी जैसा बन जाएगा, तो हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। और आपको हम एक चीज बताना भूल गए, बेसन। और इसके लिए हम थोड़ा सा भुना हुआ बेसन, करीब इसमें 2 चम्मच हम भुना हुआ बेसन भी लेंगे, क्योंकि निमोना और देखिए हमने इसको अच्छे से दरदरा सा कूट लिया है, और इसमें डालने के लिए थोड़ा सा हम बेसन भी लेंगे, और बेसन को हम मसाले में जब इसको भूनेंगे तब डालेंगे। तो हमने 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें बेसन लिया हुआ है, और जो हमने कुछ हमने सिंघाड़े बचा लिए हैं इनको हम थोड़ा साबुत रखेंगे, इसका 2-2 टुकड़े कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे, सिंघाड़े काट लिए और इसमें मसाले लेंगे, 1 कटा हुआ प्याज बड़ा, 1 टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच हमने बेसन लिया हुआ है, और 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरा धनिया, जीरा और 2 हरी मिर्च इसको बारीक काट लिया है। और ये कुछ मसाले लेंगे जिसमें मैंने हल्दी मिर्च धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और इसको हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो चलिए कढ़ाई भी गरम हो चुकी है और इसको हम फटाफट बना लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है, तो इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे और इसको अच्छे से हम गरम होने देंगे। और देखिए तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें तड़का लगाएंगे जीरा और मिर्च का, और आप चाहे तो थोड़ी हींग भी डाल सकते हैं, क्योंकि निमोना में हींग भी अच्छा लगता है, तो उसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दे रहे हैं।
अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये सब्जी खाने में बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। और इस समय ठंडियों का सीजन चल रहा है और इस समय सिंघाड़े बाजार में बहुत बिक रहे हैं, तो मैंने भी बाजार से सिंघाड़े खरीद के लेके आए। और जब भी इस तरह की सिंघाड़े सब्जी बनाए तो इसमें जो सिंघाड़े दो तरह के होते हैं, लाल और एक हरा, तो आप लाल सिंघाड़े की सब्जी बनाए। आप इसकी कई तरह की सब्जियां बनती हैं और ये नाश्ते में भी बनाते हैं इसको, जैसे उबाल के इसको काट के, और बहुत ही बढ़िया बनता है वो, तो उसकी भी रेसिपी आपको हम दिखाएंगे। तो प्याज हमारा हल्का से ब्राउन हो गया है, अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और लहसुन अदरक को भूनते हुए हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और संग में ही इसमें नमक भी डाल देंगे, जिसमें टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो मैंने नमक स्वाद अनुसार लिया, यानी इसमें हमने करीब एक बड़ा चम्मच हमने नमक लिया है, और इसको भी अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। ढक्कन खोल के एक बार हम चेक कर लेंगे क्योंकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम हल्दी में धनिया डालेंगे, गर्म मसाला बाद में डालेंगे, और उल्टा से थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। पानी डालने से मसाले हमारे जलेंगे नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, और उसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसी मसाले में हम, और मसाले का पानी भी सूख चुका, तेल अलग सेपरेट हो गया, तो उसमें हम बेसन भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसको हम कुछ देर भूनेंगे क्योंकि बेसन भी हमारे कच्चापन बिल्कुल न रहे, इसको पहले अच्छे से मसाले में भूनेंगे धीमी आंच पे। आप चाहे तो बेसन को पहले भी हल्का सा भून के भून सकते हैं और उसको बाद में डालें, मगर इसको मसाले में भून रहे हैं तो उसको हम धीमी आंच पे थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे। और देखिए बेसन को भूनते हुए हमें करीब 1 से 2 मिनट हो गया है और ये अच्छे से भून भी गया है, और देखिए धीमे धीमे तेल भी अब सेपरेट होने लगा है। तो इसमें अब हम सिंघाड़े डाल देंगे। और मैंने सिंघाड़े इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मसाले में भूनते हुए हमें करीब 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से हमें भूनना है। और सिंघाड़े को देखिए मैंने ज्यादा सा बिल्कुल महीन नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है क्योंकि ये भी पानी में अच्छे से ये गल भी जाएगा, तो उसको तेज आंच में हम भून लेंगे। और सिंघाड़े डालने के बाद इसको मसाले में हम करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। और इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। और देखिए 2 से 3 मिनट अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। और इसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, इसमें करीब हमने 1 गिलास पानी डाला है, और उसी में इसको पकाएंगे अच्छे से, और ये काफी अभी गाढ़ा भी हो जाएगा। और इसको हम ढक देंगे और इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पे इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। और देखिए इसको बीच में मैंने चेक कर लिया था, और देखिए अच्छे से ये गाढ़ी भी हो गई है, और जैसे भी गाढ़ा पतला थोड़ा करना चाहे थोड़ा कर सकते हैं। देखिए काफी अच्छे से ये पक भी चुकी है।
अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और हमारी ये सब सिंगाड़े का निमोना बनकर तैयार है। इसको आप चावल या रोटी से किसी संग भी इसको सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में ये, तो आप इसको जरूर बनाएं। गैस ऑफ कर देंगे और इसको निकालेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी ये सिंघाड़े का निमोना, और बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। आप इसको हमारे दिए तरीके से बनाएं और जाड़े में एक बार जरूर उसको ट्राई करके देखें, क्योंकि सिंघाड़े इसी मौसम में मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी संग। तब तक के लिए धन्यवाद।